Second question is, define and explain the Biot Savart law. Suppose this is the current carrying conductor. अपने पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अपन को क्या निकालना है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जो बायोट साइंटिस्ट था उसने क्या दिया था, एक लॉ दिया था. वो क्या कहता है कि मान लो सपोज करो आपके पास क्या है, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है, डेट इज़ डी एल. तो आपने क्या किया, एक छोटी सी डिस्टेंस ली डी एल. अब इस डी एल की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, डी एच होगी. अब डी एच क्या है, डेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द आइडियल. तो उसने क्या बोला, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है डेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द, इट इज़ द एंगल डेट इज़ बिटवीन द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी, डेट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी, डैट इज साइन ऑफ एल्फा. सपोज दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस आर, या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर है. तो डी एच इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, एंड वी कैन कंबाइन दिस थ्री टर्म्स. Then dH is equal to ideal sin alpha upon r square. dH is defined as 1 upon 4 pi ideal sin alpha upon r square. Now we have to find out the overall magnetic field intensity, that is H. So that for that we have to integrate it, then H is given as ideal sin alpha divided by 4 pi into r square. This is the point P. अब ये क्या है, आपका एक डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल है. अब ये मान लो कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा. अब क्या हो रहा है, ये मैं इस पर क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर डालता हूँ इस पर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. अब ये एंगल कितना है आपका, अल्फा है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, आर. ये भी अपनी क्या होगी, आर डिस्टेंस हो गई. अब क्या होगा, ये डी एल है और ये एंगल अल्फा है, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ. मैं ले लेता हूँ ये ट्राइंगल ए बी सी. अब ए बी सी ट्राइंगल कैसा नज़र आ रहा है अपन को, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो वैल्यू ऑफ ए बी इज डी एल साइन अल्फा. अब ये टोटल जो डी एल एलिमेंट है वो कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पर डी थीटा. मतलब वेरिएशन कितना आ रहा है, डी थीटा का वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर. तो डेट इज ए बी इज इक्वल टू डी एल साइन ऑफ एल्फा. अब मैं ए बी को और क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू आर डी थीटा. तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा डी एल साइन एल्फा वाला जो पार्ट है उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर डी थीटा. यदि मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, अब ये वैल्यू जो मैं पुट करूँगा डी एल साइन अल्फा की, डेट इज़ आर डी थीटा. तो मैं एच को क्या लिख सकता हूँ, एच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ आई इन टू. अब आपका डी एल साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आर डी थीटा. और क्या लिखना है, फोर पाए आर स्क्वायर. तो एच इज़ आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई डी थीटा अपॉन फोर पाए आर. अब क्या करना है, आर को हटाना है. आर को हटाने के लिए ये क्या अपना आर है, मान लो इस पॉइंट पी सर, पी से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ. तो परपेंडिकुलर डालने पर ये जो डिस्टेंस कहलाती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, डेट इज़ रो. और ये आपका एंगल कितना है, एल्फा. और ये डिस्टेंस कितनी है, आर. तो मैं लिख सकता हूँ आर साइन एल्फा डेट इज़ इक्वल टू रो.
ये देखो ट्राइंगल बन गया ना ये, अभी कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपकी रो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर साइन ऑफ अल्फा। जब ये आर साइन अल्फा है रो की वैल्यू, तो मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आर की वैल्यू कितनी होगी, रो अपॉन साइन अल्फा। अब रो क्या है, फिक्स है, क्योंकि ये तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन आर आपकी क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी एंगल के साथ, इसलिए मैंने आर की वैल्यू को क्या किया है, हटाया। अब आर की वैल्यू को मैं क्या पुट करूँगा, रो अपॉन साइन अल्फा, तो आपका जो एच होगा वो क्या आ जाएगा, आई डी थीटा फोर पाए रो इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब ये जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एंगल वेरी कर रहा है, मान लो अब आपको मैं इनफाइनाइट वायर लेता हूँ, मान लो क्या करता हूँ मैं, ये इनफाइनाइट वायर होगा तो ये एंगल वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, मान लो ये एंगल कितना होगा, ज़ीरो डिग्री। अब इनफाइनाइट पर ये एंगल कितना हो जाएगा, पाए। तो मेरा टोटल एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर पाए के बीच में, तो मैं लिमिट लगा देता हूँ जीरो टू पाए। अब क्या करूँगा, मेरा क्या है अभी, आई कॉन्स्टेंट है, फोर पाई कॉन्स्टेंट है, रो कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लूँ मैं, तो आई अपॉन फोर पाए इंटू रो इंटीग्रेशन जीरो टू पाए साइन अल्फा डी थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस अल्फा एंड अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू पाए। अब वैल्यू पुट करूँ तो कॉस पाए इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस पाए प्लस कॉस जीरो, डेट इज आई अपॉन फोर पाए रो। तो कॉस पाए की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, तो एच को मैं क्या लिख सकता हूँ सिस्टम में, तो एच इज गिवन एज आई अपॉन फोर पाए रो इंटू टू, डेट इज इक्वल टू आई अपॉन टू पाए रो। तो अपन इसमें किया क्या था, तो आपने क्या किया था कि जो बायोट साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, एक लो दिया था, उसने बताया था कि अपन को जब इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पी पर, किसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक डिफरेंशियल करंट एलिमेंट लिया, जो इससे क्या हो गया डी एच निकाला, वो किसके प्रोपोर्शनल था, आई डी एल के, किसके प्रोपोर्शनल था, एंगल बिटवीन द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी। फिर नेक्स्ट ये जो आपका जो डी एच था वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। नेक्स्ट अपन ने क्या किया कि जो डी एच था वो डी एच अपना कितना हुआ, आइडियल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, इनफाइनाइट वायर है, जब इनफाइनाइट वायर होगा तो एंगल आपका वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, जीरो डिग्री से लेकर पाई डिग्री तक। तो इसलिए मैंने क्या लिमिट लगाई, जीरो से लेकर पाई डिग्री तक। अब मैंने देखा कि जो इसमें एलिमेंट क्या है, डी एल साइन अल्फा और आर है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, डी एल भी ये अल्फा भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को हटाना है, क्योंकि मैंने क्या किया, किस टर्म में ले रहा हूँ, मैं अल्फा की टर्म में ले रहा हूँ, जो मेरे अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर पाई तक, यानी मेरे पूरे सिस्टम को किस टर्म में लेना है, अल्फा की टर्म में लेना है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ये जो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट था डी एल, और ये डिस्टेंस कितनी थी आर, ये मान लो ये जो डिस्टेंस होती है ये बहुत ही कम है, तो ये जो डिस्टेंस लगभग कितनी रहेगी, आर रहेगी। तो ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो ए बी कितनी होगी, डी एल। ये अपने कैसे पता लगा, इन ट्राइंगल, ये अपना क्या हो गया, एक डिफरेंशियल करंट एलिमेंट डी एल, अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ इससे, ये डी एल पता है मेरे को, ये एंगल अल्फा पता है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी एल साइन अल्फा। डी एल साइन अल्फा क्या होती है, आर डी थीटा, डेट इज़ आर डी थीटा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू पुट कर दी डी एल साइन अल्फा की, जब डी एल साइन अल्फा की वैल्यू पुट की तो वो कितनी आई है, आर डी थीटा। अब मेरे को क्या करना है, इस आर को वैल्यू पुट करनी है। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आर, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितनी है रो, ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये क्या करेगी, वेरी करेगी। लेकिन इसलिए मैंने क्या किया, इस आर को हटाना है, इस आर को हटाने के लिए मैंने क्या किया, ये भी क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या करूँगा मैं, ये कितना है अल्फ़ा, ये डिस्टेंस कितनी है आर, और ये कितनी है रो, तो मैं निकाल सकता हूँ कि आर साइन अल्फ़ा डेट इज़ इक्वल टू रो
तो इससे मैं क्या निकाल लूँ, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू रो बाय साइन अल्फा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन दैट इक्वेशन वी हैव टू फाइंड एच, एंड एच इज गिवन एज आई अपॉन टू पाई रो।